इरशाद फरमाया है कि अल्लाह कौन मेरा अल्लाह है नूर पर साबित होती है। हमने इस कायनात की हिदायत के लिए इस जमाने की गाइडेंस के लिए और इस ईश्वर की रहनुमाई के लिए और इस कामयाब की रहबरी के लिए दो हाथियों का इंतजाम किया है, दो रहबरों का इंतजाम किया है, दो पेशवाओं को मुअय्यन किया है और दो हाथियों को अपनी बारगाह को भेजा। इरशाद होता है कद जा आपको यकीनन बिलाशुबा बेशक नौका हमारी बारगाह से हमारी जनाब से हमारे दरबार से हमारी सरकार से हमारे घर से तुम्हें सही रास्ता बताने के लिए दो शराबत आदमी दो सच्चाइया रहनुमाओं की शक्ल में रहनुमाओं की शक्ल में पहली सच्चाई का नाम है नूर। अल्लाह की तरफ से नूर आया और दूसरी सदाकत का नाम है किताब-ए-मुबीन खुली हुई किताब। अल्लाह ने खुली के भेजे खाली किताब को नहीं भेजा नूर को भी भेजा। अल्लाह ने बता दिया है कि जब पर हमारे हिदायत पर अला कुल्ले शरीर कदीर खुदा को तनहा किताब काफी नहीं है तो मुसलमानों को अकेली किताब का काफी हो। अल्लाह ने पहले नूर का इंतजाम किया पहले नूर का इंतजाम किया पहले नूर का तयन किया पहले नूर का सिलेक्शन किया और क्या कहा जा आगो नूर हमारे घर से तुम्हारे पास आ गया तुम्हारी तरफ आ गया तुम्हारे लिए आ गया। क्या आ गया नूर एक नूर आया मखसूस नूर खास नूर और दूसरी चीज क्या है किताब-ए-मुबीन मुबीन का मतलब है पूरी हुई किताब जिसे अंधा भी देख ले। ये अलग बात है कि कुछ लोग देख के अंधे हो जाते हैं और कुछ अंधे ऐसे होते हैं कि जो देखने की नेक तमन्ना में बीनाई वाले हो जाते हैं। तो अच्छी अच्छी बात है दो बातें आई और कभी कोई दूर नहीं है आप ऐसा महसूस कीजिएगा कुछ भी है। अब चलते हैं साहब किसी पर कम नहीं है होती नहीं है या किसी को नीचा दिखाना मकसद नहीं है या किसी की अहमियत या तकलीर या किसी को हमें शर्मिंदा करने का इरादा नहीं है मगर एक बात है 73 के 73 फिल्मों ने अपने कौम के अफराद को किताब का तो तारुफ कराया किताब को बताई किताब के बारे में लोगों को मालूमात दिए नॉलेज दिए लोगों को इतना भी खबर दी कि ये किताब क्या है कुरान ऐसा जो सूरह हज से शुरू होता है और मक्काज को खत्म हो जाता है 114 सूरह बताया। लेकिन आज तक 72 फिल्मों ने अपनी कौम को कभी ये नहीं बताया कि मुझे कुरान के साथ साथ आया नूर वो क्या है। और कभी ऐसा सवाल है कि क्वेश्चन है कि नहीं जो शुरू है कि नहीं खाली तरंगा आरजू गदा जज्बा ये होना चाहिए ना क्योंकि अल्लाह की तरफ से बोल के आ रही है एक किताब और एक रूह। आप किताब में मुबीन का तर्जुमा आप किसी भी फिरते की किताब को खाते कुरान करी देवबंदी हजार के कुरान करी ने किताब में मुबीन के नीचे लिखा है कुरान करी तर्जुमा एक होता है असल्लाह एक होता है उसका तर्जुमा किताब में मुबीन के नीचे क्या तर्जुमा लिखा कुरान करी बरेलियों ने क्या लिखा कुरान करी सलफियों ने क्या लिखा कुरान करी वहाबियों ने क्या लिखा किताब मुबीन का तर्जुमा कुरान करी अहले हदीस ने क्या तर्जुमा लिखा कुरान करी अहले ताईफ ने क्या तर्जुमा लिखा कुरान करी शाफियों ने क्या लिखा कुरान करी कहीं चले जाए अल्लाह ने कहा था मैंने किताब मुबीन भेजी और मुसलमान ने तर्जुमा किया
लेकिन नूर का तर्जुमा नहीं किया, नूर की जगह पर बड़े के तर्जुमे के मकाम पर नूर ही लिखा, यानी अल्लाह की तरफ से नूर आया और कुरान मजीद आया। अब एक कहने की बात यह है कि जब तुमने जबल लफ्ज का तर्जुमा कर दिया किताब मुबीन का कुरान, तो नूर का तर्जुमा क्यों नहीं किया? नूर भी तो बताओ अल्लाह की बारगाह से आ रहा है। पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे बड़े भाइयों ने छोटे भाइयों के साथ इंसाफ किया है कि भाई अल्लाह की तरफ से दो चीजें आई थी, एक किताब मुबीन, किताब का तर्जुमा हमने कर लिया, नूर का तर्जुमा कर दिया। ये भी हम शहनासी का एक रूप है कि उन्होंने आपकी जिम्मेदारी और आपकी स्पर्श करने की हद तो दी है कि तुम का तर्जुमा तुम कर लो, किताबें मुबीन का तर्जुमा हमने कर लिया। नौजवानों को याद रखे होगा, सारी दुनिया के मुस्लिम फिल्मों ने किताबें मुबीन का तर्जुमा किया, कुरान किसने हमने लिखा है? किताबें मुबीन का तर्जुमा कुरान। जब हमने पूछा तो कहते कुरान है, तो जब हमारे लिए उन्होंने नूर का नाम छेड़ा कि तुम बताओ भाई नूर का तर्जुमा क्या है, तो हम तर्जुमा करते हैं अल्लाह की तरफ से हिदायत के लिए दो चीजें आई है, एक नूर एक किताब मुबीन। अब तर्जुमा सुनो, अल्लाह के दरबार से, अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह की सरकार से, अल्लाह की जनाब से, अल्लाह के घर से आगे नहीं रहता, कब आ जाए मुसलमानों का आगे था।
करबला ये आगम को अली आए तो पढ़ो कुरान का तर्जुमा, अल्लाह के घर से नूर आया तो अल्लाह के घर से बहुत आया है। असल में सरकार ने इनकार को करा और इनकार का बदला मिल भी गया तो जो नाम ले लो
Yeah.
Sit down, I'll stand.
صراط مستقیم ملے گا نہیں. جن کے ہاتھوں میں 1400 برس کے کام ہے, علی کا واحد بھی ہے پروردگار سیدھے راستے پر قائم ہو رہا کیا
سیدھا رستہ ہے قرآن کی تلاوت سیدھا رستہ ہے اسلام کا سیدھا رستہ ہے یہ بڑا بڑا کلام مذہب کا تو مطلب ہی ہے اس میں ذرا ہے ذات کی جگہ چاہے کا دنیا مذہب کا دنیا ہوتا ہے تو جب تمہارے پاس مذہب ہے اسلام نہیں ہے تو پھر کیا کہہ رہے ہو کہ لکھا سامنے ہے خود کہہ رہے ہو مسلمان کہہ رہے ہیں تو اسلام کی ڈیفینیشن صراط مستقیم نہیں تو کیا ہے کیا کہہ رہا راستہ ہے اسلام سیدھا پھر یہ کیا کرو کرے سب بتاؤ تمہارے ایمان کی اصل بات سمجھ میں نہیں آ رہی ارے اسلام کے ہو تو اسلام کیا ہے گوشت کھانا اسلام ہے تو بند ہو گیا Oh,
अरे सोचो तो मत पाया था। मैं कहना चाहता हूँ शैतान अल्लाह से कह रहा है, मुल्ला से नहीं। शैतान कह के चला जरूर जरूर मैं रखूंगा। तो भैया क्या पढ़े लिखे हो या नहीं? ये जो शैतान ने अल्लाह से वादा किया है कि मैं तेरे सीधे रास्ते पर जरूर जरूर बैठूंगा, ये बगैर जानने किया है काम होकर, यानी शैतान सिरात को जानता है या नहीं? Oh!
अल्पे कुरान दिले कुरान शुरू होते हैं आसीन वल कुरान के हकीम इन्ना कराने में तुम सरीना हलाफ शरवात की मुस्तकी ये मोहम्मद तू शरवात के मुस्तकी पर है अल्लाह कैसे किया है और बुद्धा मैं कहूँ आप जो चीज लिखे होंगे वो कह सकोगी तो वो करो तो अल्लाह का उसके लिए अच्छा इसी लोग के आपको कहां तक जाना है सबके ये नबी ने रखे ऐना अल्लाह और ऐना एक पैरें से अल्लाह और एक पैर से ऐना ऐना का मतलब है तू तक का इंतहा वक्त गया मेरे मोहम्मद को सारे और आदर से लेके ईसा का इकलाक के इस्लाम 299 में दिया बट मजबूत बात कर जा ताकि अली को थोड़ा सा समझ में आए अल्लाह ने सूरह अनाम 84 85 86 87 88 बात कर तो मैं कहा वह हमने वो साथा वह यादों का कुमल हरेला वह तो हमारे नाम कालों में दूसरे नहीं दाऊद आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको देख रहा हूं आप मेरी नजरों की इंतहा मैं आपकी नजर की इंतहा आलम क्या है ऐसा से आपकी मुस्तकी सिरात के मुस्तकीम तक नूह क्या है सिरात के मुस्तकीम तक इब्राहिम क्या है सिरात के मुस्तकीम तक क्या के रखे हो तो परसेंट अब बता रहा हर नबी का स्टेटस क्या है मेंटल का उसके पास खलीफाओं की सहाबा की या कलमा गोजों की उम्मतों की बातें नहीं कर रहा हूं सारे नबियों की तुम्हारा कुरान तुम्हारा सुबह अमान पढ़ो जाके हर नबी का स्टेटस एला सलाते मुस्तकीम हर एक कुल सलाते मुस्तकीम तक
अच्छी तरह ये मिले ये मिले ये मिले
मुझे पूरा पूरा दिया। जो मांगकर अल्लाह देता रहा तो इसका मतलब ये तो तुम्हारा अल्लाह तो अल्लाह नहीं ना, सब तो शैतान को दे दिया। अच्छा लगा दो की बहुत जल्दी मानते हैं सुबह
جگہ پر شیطان کا تذکرہ کہتا ہے اپنے زندگی سب سے زیادہ سینئر بھی
नौमान दोनों बातें कुरान में है, ये मैंने हवाला दे दिया, चलो हवाला भी सुन लो। सूरत नंबर 77 आयत नंबर 23 को क्या पहले बताया है, किसने आजाद मांगा नबी से कि मैं तो अगर आप सच बोलते तो दलील दे कि आसमान से पत्थर आए और फौरन मार डाले, और मैं कह रहा मुझे समझाओ आदम का दुश्मन चार जगह पे कुरान में लिखा है जिंदगी मांग रहा है, सुनो आगे क्या है, अगर जिंदा रखे तो सुन एक दुश्मनी एक मोहब्बत
तो दुश्मनी में तो मांग ली मौत, तो दोस्ती में क्या होना चाहिए? कितना भोला का मतलब है पकड़ लेना।
सीज कर दे रहा हजरत के पास के सारे अल्फाज को सुन ले, सारे सुन ले, लेकिन दो लफ्ज भी सुनना या पासी या कागज कागज के माना खींचना बासी के माना छोड़ना। क्या चीज थी जो अब्बास ने खींची, क्या चीज थी जो छोड़ी, कैसे सुनते हैं? Yeah.
लगते जिगर पास कायनात को हयात देने वाले सदो हजार सदरा के इतवार को जो नाई के शांति प्रदेश में बैठे हो बैठे तो भाई अजीज अब्दुल्ला मोमिनी कौम के फर्जंद मेरी बहने मां सारे अदालत आपके हवाले करता आप साहिब हयात है मेरी कौम को हयात दे इल्म को हयात दे जज्बा इबादत को हयात दे जज्बा ईमान को हयात दे किरदार को हयात दे मेरी कौम की बेटियों की हयात को हयात दे दीवियों को शोहरों से वफादारी करते हुए हयात भाइयों को भाइयों से बर्ताव करते हुए हयात जब उसने अपने बाप को कत्ल होते हुए देखा होगा
Yeah.